ये जो नए नए टेक्निक्स है ये कहाँ से आया, ये सिर्फ क्रिकेट से नहीं आया। यही तो सबसे अच्छी बात है कि इट्स ए फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल इन्फ्यूजन्स आए, फ्रॉम द मिडल ईस्ट आया, सेंट्रल एशिया आया, यूरोप से आया, तभी तो इंडियन कल्चर आज जैसा है वो आपको दिखता है। ऐसे ही इंडियन क्रिकेट में भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो बिग हिटर्स है ये इन्फ्लुएंस ले रहे हैं ना कि क्रिकेट से, क्रिकेट से तो ले ही रहे हैं, पर 5-10% ये बेसबॉल से भी ले रहे हैं। बेसबॉल में होम रन कैसे मारते हैं, वो जो टेक्निक्स है, जो बल्ला घुमाते हैं, उनसे भी ये लोग सीख रहे हैं ना। जैसे आज के जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स जो बेसबॉल के पिचर्स हैं उनसे सीख ले रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं। जो जेवलिन थ्रो करते हैं उनसे भी टेक्निक्स ग्रैब कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये हिटर्स जो है, न्यू जनरेशन हिटर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अगेन क्रिकेट के ऊपर है, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट के ऊपर है। T20, वनडे इंटरनेशनल्स भी है, कुछ कुछ टेस्ट पे भी इम्पैक्ट होता है। और ये इम्पैक्ट कौन लाते हैं? इंडिया के नए जनरेशन ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर्स, बिग हिटर्स, सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं ये शॉर्ट फॉर्मेट गेम्स में। और इंडिया में एक रेवोल्यूशन चल रहा है अभी एट द मोमेंट। बहुत लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडिया में क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे आ रहे हैं, बैट्समैन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो तो है ही। पर मैं स्पेसिफिकली जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक नया ट्रेंड है जो बहुत लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा ढंग से, वो है द न्यू जनरेशन ऑफ बिग हिटर्स, इम्पैक्ट हिटर्स। अब पहले के जनरेशन में भी इंडिया में बड़े बड़े बिग हिटर्स होते थे। इनिंग्स के एंड में जाके जब हाथ सेट हो जाता था, चौके छक्के मारते थे, सौरभ गंगुली मारते थे, सचिन तेंदुलकर खेलते थे बहुत अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज प्लेयर्स भी थे जो उस ज़माने में भी शॉर्ट क्रिकेट में खेलते थे, बिग हिटर्स टूवर्ड्स द एंड, जिनका काम होता था कि 20 बॉल में 30-35 रन बना के मैच जिता दो, ये भी होते थे। पर क्या डिफरेंट है आज के जनरेशन की ये न्यू जनरेशन बिग हिटर्स का? डिफरेंस ये है कि द गेम हैज़ इवॉल्व्ड और ये सबसे फास्ट पेस में इवॉल्व हो रहा है। ये जो T20s है स्पेसिफिकली, सबसे फास्ट पेस में इसके वजह से गेम क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है। बहुत लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि अभी जितने स्पीड में इवॉल्व कर रहा है ना क्रिकेट, एक साल में इतना इवोल्यूशन हो रहा है जितना पहले के ज़माने में 10 साल में नहीं होता था। नए टैक्टिक्स, नए टेक्निक्स, नए स्ट्रेटजीज, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, नई तरीके का सोच बहुत जल्दी आ रहा है और बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। और ये क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ये स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। ये स्ट्रेटजी शायद 6 महीना चल गया एक टीम के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, पर 3 महीने उसके बाद नहीं चला तो वो स्ट्रेटजी फिर से इवॉल्व हो गया, चेंज हो गया। तो बहुत फास्ट स्पीड में ये हो रहा है और जिसके वजह से इंडिया में एक नए जनरेशन ऑफ हिटर्स की प्रेजेंस आया है। कौन है वो नए जनरेशन हीटर्स? जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इंडिया का कैप्टन होने वाला है स्काई, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, और भी 2-3 ऐसे नए जो पाइपलाइन में आ रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे चौके छक्के मारते हैं। इनमें एक स्पेशलिटी है, पता है क्या? पहले ज़माने में जो इंडियन हीटर्स थे ना, दे वर वेरी लिमिटेड इन देयर हिटिंग एबिलिटीज़। इधर उनका हाथ सेट हो जाता था तब मारते थे। कुछ कुछ तो स्पेशलाइज प्लेयर्स थे जो स्पिनर्स को बहुत अच्छे चौके छक्के मारते थे। कुछ ऐसे भी हिटर्स थे, फॉर एग्जांपल युवराज सिंह, बहुत बड़े इंपैक्ट प्लेयर थे, वर्ल्ड कप जिताया था इन्होंने हमें, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर्स को भी मारते थे, बहुत पिटाई करते थे। एक ओवर में मुझे याद है, जो सभी को याद होगा, कि एक ओवर में 6 छक्के मारा था इंग्लैंड के ब्रॉड, क्रिस ब्रॉड बॉलर जो था उनको। ये बहुत बड़े प्लेयर्स थे, पर डिफरेंस पता ही क्या था? अगर मैं इनके टेक्निक्स को देखूँ ना, फॉर एग्जांपल युवराज सिंह, ये कैसे पावर जनरेट करता था। ये लंबा चौड़ा तो था ही युवराज सिंह, पर इनका पावर आता था ना इनके जो लंबा जो बैकलिफ्ट था, बहुत लंबा बैकलिफ्ट लेते थे, पीछे से बैट घुमा के फिर वो स्विंग करते थे बैट को, ठीक जगह पे बॉल लगी, टाइमिंग अच्छा हुआ, बाउंड्री के बाहर, बहुत बढ़िया छक्का। पर ऐसे जो बैट्समैन होते थे ना पिछले जनरेशन्स के इंडियन हिटर्स में, इनमें पता है क्या होते हैं कि परसेंटेजेस इनका अच्छा नहीं होता था। पता है क्यों? क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल आपका एक लंबा बैक स्विंग है, वो स्विंग पे पर्टिकुलर जगह पे आपकी बैट में लगेगा पर्टिकुलर टाइमिंग पे, तभी वो छक्का जाएगा। आजकल के नए हिटर्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बैट में, डिफरेंट पोजिशन से ये लोग छक्का मार सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पोजिशंस पे, फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट, मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट छक्का मार सकते हैं, कोई भी बड़े ग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं। देखो एक तो फिटनेस का तो डिफरेंस आ ही है कि आज के जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आर ओवरऑल लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर ऑन एवरेज पिछले जनरेशन के क्रिकेटर्स से, थोड़ी सी ताकत तो है। पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि इनका जो ताकत है ना, बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, दे आर वेरी बैलेंस्ड एथलीट्स। पहले के जनरेशन में होता था कि उनका ज़्यादातर रिस्ट बड़े स्ट्रांग होते थे, या यू नो बैकलिफ्ट लंबा होता था, इसके थ्रू वो छक्का मारते थे। आज के जनरेशन में डिफरेंस क्या है, वेरी बैलेंस्ड बॉडीज, वेरी फ्लेक्सिबल बॉडीज, दे कैन जनरेट पावर। ये पावर जनरेट कर सकते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स से, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से। और ये कहाँ से आया, ये जो नए नए टेक्निक्स है, ये कहाँ से आया, ये सिर्फ क्रिकेट से नहीं आया। यही तो सबसे अच्छी बात है कि इट्स ए फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल इन्फ्यूजन्स आए, फ्रॉम द मिडल ईस्ट आया, सेंट्रल एशिया आया, यूरोप से आया, तभी तो इंडियन कल्चर आज जैसा है वो आपको दिखता है। ऐसे इंडियन क्रिकेट में भी ऐसे ही हो रहा है, ये जो बिग हिटर्स है ये इन्फ्लुएंस ले रहे हैं ना कि क्रिकेट से, क्रिकेट से तो ले ही रहे हैं, पर 5-10% ये बेसबॉल से भी ले रहे हैं। बेसबॉल में होम रन कैसे मारते हैं, वो जो टेक्निक्स है, जो बल्ला घुमाते हैं, उनसे भी ये लोग सीख रहे हैं ना। जैसे आज के जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स जो बेसबॉल के पिचर्स हैं उनसे सीख ले रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं, जो जेवलिन थ्रो करते हैं उनसे भी टेक्निक्स ग्रैब कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये हिटर्स जो है, न्यू जनरेशन हिटर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, इसीलिए तो ये मल्टी डायमेंशनल हिटिंग के केपेबल हैं। 360 डिग्रीज फील्ड के कहीं पे भी वो छक्का मार सकते हैं, साइड में हो, आगे हो, पीछे हो, फ्रंट फुट पे हो, बैक फुट पे हो, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट हो, स्पिनर्स के अगेंस्ट हो, वो मल्टी डायमेंशनल है। पहले के जनरेशन के हिटर्स यूनिडायमेंशनल हिटर्स थे, ये मल्टी डायमेंशनल हिटर्स हैं। दे इम्प्लॉय लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, ना कि क्रिकेटिंग टेक्निक्स, जो क्रिकेट में नहीं था, ऐसे टेक्निक्स भी यूज करते हैं। तो इट्स ए वेरी न्यू थिंग, इट्स ए वेरी फास्ट इवॉल्विंग थिंग, बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है। और हु नोस, ऐसे ही अगर ये एवोल्यूशन चलता गया, 10 साल के अंदर जब आप क्रिकेट देखोगे ना, जो शॉट्स लोग खेल रहे होंगे, ये हिटर्स 10 साल के बाद, जैसे वो बॉल को पंच कर रहे होंगे, जैसे वो हिट कर रहे होंगे, जो टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजीज है, दैट विल बी ड्रेस्टिकली डिफरेंट। 30 साल में जितना नहीं बदला ना, 10 साल में, नेक्स्ट 10 साल में बदल जाएगा उससे ज़्यादा। और इससे होगा क्या, क्रिकेट का जो पॉपुलैरिटी है पूरे दुनिया में फैल जाएगा, क्योंकि गेम तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है ना। अभी अब देखो अमेरिका में भी अच्छा क्रिकेट टीम्स बन रहा है, जैसे पाकिस्तान को हरा दिया वर्ल्ड कप में। अब अमेरिका जैसे जो कंट्री है, जो स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है, इसमें इनका इंटरेस्ट जेनरेट करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज उनके पास तो बहुत अच्छे, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। अमेरिकन फुटबॉल है, विच इज़ अ टाइप ऑफ रग्बी, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है। तो इनके अगेंस्ट अगर आपको अटेंशन ग्रैब करना है, लोगों का इमेजिनेशन को आपको ग्रैब करना है, पॉपुलैरिटी गेन करना है, तो ऐसे ही न्यू जनरेशन ऑफ बिग हिटर्स, फास्ट बॉलर्स को आना पड़ेगा। इसीलिए तो ये हो भी रहा है, इसीलिए तो अमेरिका भी देखो अच्छा खेल रहा है। और 10 साल के बाद हु नोज, अमेरिका माइट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, द US टीम माइट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम, क्योंकि इनके पास रॉ टैलेंट इतना है ना। ये अगर क्रिकेट में जुट गए ना, तो इंडिया का हाल वही होगा जो हॉकी में आज है। तो लेट्स होप दैट इट डजंट हैपन दैट वे, पर मुझे लगता है कि इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट इतना फास्ट स्पीड से हो रहा है, थैंक्स टू BCCI एंड द गुड ट्रेनर्स दैट वी हैव एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव। आई एम क्वाइट पॉजिटिव, मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं होगा। पर यह भी है कि ऐसे कंट्रीज जो ट्रेडिशनली क्रिकेट नहीं खेलते होंगे, या ट्रेडिशनली क्रिकेट को इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे, उनमें भी ये एक्साइटमेंट शायद आएगा। इससे अच्छा ही होगा क्रिकेट के लिए, बड़े टीम्स का नंबर बढ़ जाएगा, टूर्नामेंट्स और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा। तो देयर इज अ वेरी एक्साइटिंग फ्यूचर फॉर क्रिकेट एंड स्पेशली फॉर इंडियन क्रिकेट, विच इज़ गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो वॉच दिस स्पेस, और मुझे बताइए कमेंट्स में इफ़ देयर इज एनीथिंग यू वॉन्ट मी टू डिस्कस फर्दर, और इफ़ यू डोंट एग्री टू एनीथिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।
थैंक्स फॉर टुडे, बाय।